सफलता मिल रही है जी लगभग अपने ही दम पे बहुमत के आसपास है बीजेपी, और जरूरत पड़ती तो और भी इंडिपेंडेंट साथ देंगे। जी 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 वो तो तय है, साफ दिख रहा है। तो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? काफी संशय रहा, असमंजस था लोगों के मन में कि बीजेपी नहीं जीत, बाकी बीजेपी का दावा हमेशा से रहा कि हम सिंगल एंटिटी जीतेंगे, वो भी रहा है। या 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 ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी सभी नेतागण और हमारे गोवा के सभी नेतागण और कार्यकर्ता, इनके प्रयास से जो जो कुछ हमने बोला था वो वहाँ हम हासिल किया हुआ है। ये तो वोटर, जो वोटर है हमारे, हमारे वेल विशर है, उन सबका विजय है। महाराष्ट्र की दो सत्ताधारी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी चुनाव मैदान में थे, बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी चुनाव मैदान में थी, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में थी, तो तीन अलग अलग राज्यों की सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी को चुनौती दी। जी जी, कांग्रेस पहले से थी, उसके बाद भी बीजेपी की जीत किस मायने में आप अलग तरीके से देखते हैं? ये तो गोवा के लोग एजुकेटेड है, शुद्ध है, उन्होंने बीजेपी के काल में डेवलपमेंट देखा है, विकास देखा है, और आज हम थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं, हैट्रिक कर रहे हैं सरकार लाने में, गए 10 साल भारतीय जनता पार्टी, ये तो अनोखा आपने देखा होगा, कोई भी पार्टी 3 साल कंटिन्यूस मेरे ख्याल से नहीं आई। उत्तर प्रदेश में भी देखिए ना, जो फिर रिपीट कर दिया, उत्तराखंड ने रिपीट कर दिया, ये तो विकास जो हमारे नेशनल अपने केंद्रीय सरकार ने जो कुछ विकास किया, लोकल पार्टी ने जो कुछ यहाँ श्रम किए, उसका फल है। गोवा में कभी हैट्रिक नहीं लगी थी, यूपी में कभी 1985 के बाद लगातार दो सरकारें थी, एक ही पार्टी yes, थी। yes. उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं होता, नहीं तो नई तरह की राजनीति है, इसको आप कितना श्रेय देंगे स्थानीय स्तर पर जो विकास काम हुआ है, और कितना राष्ट्रीय नेतृत्व को कितना श्रेय देंगे इसका? ये तो हम कहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके नेतृत्व के आधार पर ही हम ये सब चमत्कार कर पाए हैं। और खाली राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, लेकिन जो कुछ स्कीम्स थी यहाँ, उन्होंने योजना दी थी, वो हमने इम्प्लीमेंट यहाँ राज्य सरकार ने भी उतना ही कष्ट उठा लिया, और इसी का नतीजा आज हम अच्छे स्थिति में है, फिर सरकार बना पाए। न सिर्फ इन 5 राज्यों में बल्कि केंद्र में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव का। जरूर जरूर जरूर, बीजेपी ने सेमीफाइनल जीता है, जरूर जीता। ये तो देखो ना, 5 राज्यों में से 4 राज्य जीतना, ये कई मामूली जीत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो लोगों के एक संदेश है कि आने वाले काल में 24 में भारतीय जनता पार्टी बड़े मेजोरिटी से, पहले से भी ज्यादा सीटों से लोकसभा में आ जाएगी। ममता बनर्जी एक समग्र विपक्ष की बात कर रही है 2024 के लिए, और यहाँ पे आपको चुनौती देने भी आई थी। जी जी जी, उनका खाता नहीं खुल रहा, टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा, उनका तो पोल खुल गया, लोगों ने जाना ये किस तरह की पार्टी है, क्या चाहती है, देश के बारे में जो कुछ विचार करने वाली पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी है, लोगों ने अभी कंफर्म किया हुआ है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, जी इंडिपेंडेंट्स हैं 2-3, उसके अलावा और एक दो छोटे दल हैं जिनको एक एक दो दो सीट्स मिली हैं। जी, क्या उनसे संपर्क करेगी भाजपा? हमारे जब मेजोरिटी हो गई है तो संपर्क करने की, यदि वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आए, दे वेलकम।